बातें हैं बस दरमियां, हर दिन शाम एक तू ही है हम नवा, पलकें उसकी उठती हैं तो दुनिया मेरी रुक जाती है, देखे मुझको पल भर जो तू सांसें मेरी थम जाती है, मैं दीवाना हेलो डॉक्टर साहिबा, मैं ये कह रहा था कि वाकई में इनकी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी सी माफी की गुंजाइश निकाल लेना आप प्लीज। तुम भी खासे नॉन सीरियस लगते हो, बिल्कुल अपने दादा की तरह। नहीं नहीं डॉक्टर साहिबा, मैं बड़ा सीरियस किस्म का आदमी हूँ, आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आता तो ये एम्मा वॉटसन चौधरी जी से पूछ लीजिए, वो अमेरिका में बैठ के परेशान है भाई, कौन है ये पाकिस्तान में बिल्लू चौधरी, इधर तस्वीर लगाती हूँ पहला लाइक था, आई एम वेरी सीरियस यो। तुम्हारा क्या कनेक्शन है इसके साथ? जी वही जो मेरा आपके साथ है, फर्क सिर्फ इतना है कि ये तो उसे फोन पे ही टेक्निकली लाइक कर लेता है और मुझे आपको लाइक करने के लिए मैनुअली आना पड़ता है। छोड़ दो कान। अच्छा अच्छा बच्चे की वजह से छोड़ रही हूं मैं। थैंक यू। आज के बाद बिलाल इन्हें डेली वॉक कराने की और टाइम पे मेडिसिन देने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। जी हाजिर, आपको शिकायत का मौका नहीं देगा बिल्लू चौधरी। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। ये डोज कब मिली है अभी आपको? कौन सी डोज? मेडिसिन। ये मेडिसिन टेबल पे सजा के नहीं रखते, नहीं इसे वक्त पे खाना भी है। जी जी आप फिक्र ही मत करें, मैं ऐसा करूंगा जब दादा जान को दवाई खिला रहा होगा उसकी वीडियो बनाऊंगा आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, कैसा? उसकी जरूरत नहीं है, वीडियो में मैं भी होऊंगा। मेरा मतलब है कि कोई क्रीम लिख देते कानों के लिए, पकड़ पकड़ के सुर्ख हो गए हैं, अब तो छोड़ता हूँ तो लगता है गिरने लगे हैं। चौधरी दिलदार, अगर तुम्हारी अगली रिपोर्ट्स इन रिपोर्ट्स से खराब आई ना तो ये कान जड़ से उखाड़ के फेंक ही दूंगी, क्रीम लगाने की नौबत ही नहीं आएगी। चल पुत्र निकल चल, क्यों दादा बोला कराने। हाँ, चलो, आज, आज। See you next attack. बिलाल जी। डॉक्टर साहब जी, ख्याल रखना इनका। बात सुनो, बात सुनो। क्या है दादी, कंधा उतारना है क्या? कान खोल कर हमारी बात सुनो, ये जो तुम्हारे मुंह में निहायत सलिपरी जबान है ना, इसका गला घूट के इसको अपने मुंह के अंदर ही दफन कर लो, हम पराए घर जा रहे हैं। एक काम करना दादी, वहाँ जाते ही ना परी को गूंगी डिक्लेयर कर देना, ना होगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अगर तुम ये अपने सारे इंस्ट्रूमेंट अपने गले के अंदर रखो तो कभी कोई प्रॉब्लम हो ही ना। वैसे वो लोग हैं कौन? जो भी हूँ, तुम बस ये दुआ करो अल्लाह मियाँ से
कि अल्लाह मियां उनके दिल में हमारे लिए रहम और नरमी पैदा कर दें बस। वैसे दादी, अगर शाहरुख सचमुच मर गया हुआ तो आज तो उसका जनाजा होगा ना। कुवायत, और पराए घर में जाकर अपने मुंह से इस वाक्य की स्टीम तक ना निकालना। ओके? वैसे वो खुद ही शौका हो रहा था, दीवार पर चढ़ा हुआ था बंदरों की तरह। मुझे तो लगता है अल्लाह ताला ने ना उसको सजा दी है लड़कियों को तंग करने की। फिर शुरू हो गई तेरी ब्ला 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 ब्ला। एक तो कमर में दर्द कर दिया, इकॉनमी में बगैर सीट के आपने सफर करवाया है। इसका ना अल्लाह ताला आपसे अलग से हिसाब लेगा। कितना कहा था टिकट ले लो, बर्थ करवा लो, लेकिन नहीं, पैसे बचाऊंगी। बचा लिए पैसे सारे। बदतमीज। दादा की दोस्ती तो बड़े अमीर लोगों में थी। ऐसे घर ना फॉरेन ड्रामों में देखे। वैसे हैं कौन ये लोग? अस्सलाम वालेकुम। आप लोग वही रिलेटिव्स हैं ना जिन्होंने हैदराबाद से आया था? जी जी, हम हैदराबाद से ही आए हैं। आए ना, हम जब आप का इंतजार कर रहे थे। चले आए हैं, चले। बैग ही रख दो, वो गार्ड ले आएगा। आज आप लोग आज। लेकिन हमारा इंतजार क्यों कर रहे थे? हमने तो किसी को नहीं बताया अपने आने का। लेकिन आपके नाने ने तो हिंदुस्तान से फोन करके बता दिया था। क्या बता दिया था? यही कि आपकी बेटी की शादी होने वाली है, वो भी अमेरिका में। लेकिन लड़के को पाकिस्तान आने की छुट्टी नहीं मिल रही। तो जब तक छुट्टी नहीं मिलेगी आप लोग हमारे साथ रहोगे इसी घर के अंदर। फिर जब इनकी शादी हो जाएगी तो आप लोग चले जाएंगे। परी की शादी? हाँ हाँ, आप ही की शादी। बाय द वे, मायसेल्फ बंटी चौधरी, सन ऑफ डॉक्टर साबिर अली। प्लीज फॉलो मी। दादी अल्लाह ने हमारा हाथ पकड़ लिया, बस अब हम अपनी जबान बंद करके रखेगा। परी की तो बायां खड़कना शुरू हो गई है। हेलो हैंडसम यंग मैन, इधर आइए, बात सुनिए हमारी। अब वो क्या बता रहे थे कि क्या लगते हैं वो रिश्तेदार हमारे? दादा की जो बेस्ट फ्रेंड है मुख्तार दादा, जो होशियारपुर में रहते हैं। आप लोग हैदराबाद दक्कन से आए हैं, am I right? Absolutely, absolutely. क्या नाम बताया था उन्होंने हमारा? नाम तो मुझे याद नहीं, शायद दादा को बताया हो। आप लोग आए ना, प्लीज आइए। sure. थोड़ा सर बचाइएगा, हमारा सिविल इंजीनियर थोड़ा ऐसा। आइए प्लीज। आइए। अच्छा अच्छा, तो ये आपकी पोतरी है? ताऊ जी को शायद कोई मुगालता लगा होगा। जी, इसके ससुराल वालों ने आना था ना अमेरिका से। एग्जैक्टली। वो चाचा मुख्तियार बता रहे थे कि कोई मसला हो गया कोई टिकटों शिकटों का, तो अब महीने बाद आएंगे, है ना? ऐसे ही है। वो आपके फादर इन लॉ कहाँ पर है? हाँ जी, मामा जी का पूछ। हाँ जी, वो जरा ना उनकी तबीयत खराब थी तो वो अस्पताल लेके गया बिल्लू। आप अपना घर समझे, सुकून से बैठे इधर। थैंक यू। मामा जी की ना और चचा मुख्तार की बड़ी दोस्ती है, बड़ी ही फ्रेंडशिप है उनकी। वैसे कितने दिनों के लिए वो उम्रे के लिए गए? बाजी, ये बिल्लू और ताऊजी कहाँ चले गए गड्डी लेकर सुबह सुबह? वो ताऊजी की तबीयत खराब थी तो वो डॉक्टर के पास लेके गया। हाँ। ये मेरे मामू हैं। मामू, ये वो मेहमान है जो हिंदुस्तान से आए। तोते भी इनके साथ हिंदुस्तान से आए। ये लोकल है। चंदा और तारा। सलाम खाला। बिस्मिल्लाह करा। वालेकुम अस्सलाम। मामू को सलाम कीजिए। मामू अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाजी, किचन में आइए, कुछ जरूरी बात करनी है आपसे मुझे। हाँ जी, जरा मैं बात सुन के तो आती हूँ।
हम अपने मामू के लिए ना रिश्ता तलाश करें। अगर कोई अच्छी लड़की है हिंदुस्तान में तो कोई मसला नहीं, हम आ जाएंगे प्रयत्न लेकर, है ना। ओहो बंटी बस कर दे, तू भी क्या बातें कर रहा है। मैं जी आप लोगों के लिए अच्छी सी टी बना के लाती हूँ, है, और तू ना जल्दी से इनका सामान उठा और इन्हें गेस्ट रूम में लेके जा, है, जरा फ्रेश हो जाएंगे ये लोग। जा जा जल्दी कर। ओके लेडीज फॉलो मी। आराम से। दादी हम ना पतली गली से निकल जाते हैं यहाँ से, परी को ना उठी हुई पेशाबी चपटी दिखाई दे रही है। जबान पकड़ा रख दीजिए, हैं? कमरे में चल के कोई नया प्लान बना के। कहाँ गया? This way, this way. Ladies, hello lady. This way. Come here everybody. Come here. Come here. क्या पूरे पाकिस्तान का मामू डिक्लेयर कर दिया है मुझे? समझा लो उनकी बेटी को। आप अगर मुझे मामू कहा ना तो हशर नशर कर दूंगा उसका मैं। खुदा दा नहीं, बच्ची है। बच्ची? उस बच्ची का रिश्ता तय हो चुका है अमेरिका में, महीने बाद शादी है उसकी। उससे अच्छी तो वही है। ओहो भाई तेरा भी हो जाएगा, तू क्यों तंदूर की तरह तप रहा है? क्यों ना तपूं? वो मोटा खोटा सिक्का जो है शुरू हो गया मेहमानों सामने पहाड़े पड़ना मेरे रिश्ते के। कुछ तमीज सिखाओ से तुम। खाने पीने का चल जल्दी से हांडी तर। ये मामू का एक्सीलेटर किसने दबा दिया आज? बंटी ने इसकी ब्रेकें फेल कर दी। वैसे बंटी कहता ठीक है, ऊपर ऊपर से बोला है अंदर से आग का गोला है। छठ बे साफी नहीं है दुपट्टा है मेरा। साफी तो छोड़ दी, ये बताए की इनके चेहरे पे साफ साफ क्या लिखा है? मामू फिर बना दिया किसी ने? किसने? क्या हुआ है? मुख्तार चाचा की तवासी है ना, उसने मामू कह दिया। मामू वो पहुंचे आ गई है पहुंचे। चुप कर बकवास बंद कर, मुझे बता ताऊ जी की रिपोर्टें कैसी आई? रिपोर्टें तो गुजारा ही आई है, अब दुआ करें अल्लाह बेहतर करेगा। एक तो बिल्लू चौधरी ने सुबह से कुछ खाया नहीं है। चाची चाची बहुत भूख लगी है, हलवा पूरी बना देना, बड़ा मजा आएगा। प्लीज प्लीज शबो मेरी बहन जल्दी से हांडी चढ़ा और हलवा पूरी बना दे। सुन मैं आके बादाम शदाम डाल दूंगी, तू अच्छी तरह बस बना दे। मेहमान घर पे आने हांडी तार देर हो रही है, मैं जरा ताऊ जी को देखा हूँ, सुबह से बुखार में फुनक रहे थे, अब देखती हूँ भला चेक करूँ बुखार उतरा कि नहीं उतरा। चल शाबाश मेरी बहन, सोनी बहन हलवा पूरी पका दे चाची ना। मैं कोई मास्टर शेफ? दो सेकंड इस घर में सुकून के नहीं मिलते, उत्तो दो होर मेहमान आ गए ने चिड़ियों परिंदों के साथ। हैंडसम बॉय, कोई फुफ्फू आंटी है आपकी? फुफ्फू आंटी आई गेस नहीं होंगी, सबकी होती हैं, किसी किसी की नहीं भी होती यू नो। यस यस आई नो आई नो आई नो। चिंटू मिंटू चूल्हा मत दो इनको ज्यादा, क्यों इन्हें वॉमिट हो जाएगी? नहीं नहीं जरा फेंट हार्टेड होते हैं ये लवबर्ड। ये चिंटू मिंटू कहाँ से लिया था आप लोगों ने? मोहल्ले से, उस लोकैलिटी के लिए जहाँ हम रहते हैं। तो ये रहा आप लोग का कमरा। थैंक यू। बंटी चौधरी नाम है मेरा, और ये भी याद रखिएगा शक्ल से बोला हूँ अंदर से आग का गोला हूँ। वेरी हैंडसम यंग मैन, वेरी हैंडसम। वैसे बात सुनिए, ये जरा आग का गोला थोड़ा मंथन रखिएगा। मेरी तरफ देखे ना, गौर से देखे। आईब्रो बनवाए हैं? मेरी शक्ल पे क्या मुलाजमा लिखा हुआ है? फिर झगड़ा हुआ होगा नायमा भाभी से। मैं ना ग्रेड 14 की उस्तानी थी जिसके साथ ग्रेड 4 वाले मुलाजमों जैसा सलूक हो रहा है इस घर में। अब क्या हो गया? वो सिंगल ताशी कहता है बंटी को तमीज सिखाएं, इन्हीं जली कटी बातों की वजह से ना अभी तक कल्ला फिर रहा है इस दुनिया में। अरे नहीं नहीं ऐसे नहीं कहते, ये अल्लाह के फैसले होते हैं। मैं तो कहती हूँ
अल्लाह आपको भी तौफीक दे के कोई आप सही फैसले करें, हमें अलग करें, ताकि मैं भी अपनी जिंदगी के बच्चे कुछ दिन सुकून से गुजार सकूं। अब ये अलग घर का पहाड़ा पढ़ने मत बैठ जाना, मैं अभी जेबरा और गधे की इनर फीलिंग्स की कंपैरिजन पे आर्टिकल पढ़ रहा हूं। इसको ना बंद करें और सबसे पहले मुंशी साहब को फोन करके पूछें कि वो मनहूस हसीना काम पे आ रही है या नहीं, क्योंकि मजीद मेहमानों का टोकरा भर के आ चुका है यहाँ पे। अरे चाचा मुख्तार की कजन आ गई? हाँ जी आ गए हैं, खुद तो आए आए हैं, साथ अपने तोते और चिड़ियों को लेके भी आ गए हैं। पहले इस घर में जानवर काम थे जो अब चिड़िया भी आ गई हैं। मुंशी को कॉल तो मैं कर देता हूँ, लेकिन जो एनवायरनमेंट चेंज हुआ है ना, इसकी वजह से परिंदा का मुआयना करना पड़ेगा। मुआयने से याद आया, अब्बा जी आ गए अस्पताल से अपनी रिपोर्टों का इतना बड़ा धंधा लेके। अल्लाह खैर करे, सब ठीक तो है ना? सब ठीक है इस घर में सिवाय मेरे, मुझे ना कंफर्म मुलाजमा डिक्लेयर कर चुके हैं ये लोग। मैं जरा अब्बा जी की रिपोर्टें चेक कर लूं। जाए जाए जरूर चेक करें, मैं तो भूल ही गई थी कि आप एक वेटनरी डॉक्टर हैं। इंसान के जज्बात से आपका क्या लेना देना। जाए जाए तुम्हें क्या लगता है गाय भैंसों और ऊंटों के दिल नहीं होते? इतने बड़े बड़े दिल होते हैं, इतने बड़े बड़े। So, lady, कैसा लगा कमरा आप लोगों को? किसी भी चीज की जरूरत हो तो बस सवाल लगा दीजिएगा। बंटी चौधरी द ग्रेट, आई विल बी देयर इन फ्यू सेकंड्स। ओके ओके। शी इज लुकिंग अपसेट, एम आई राइट? नहीं नहीं नहीं, वो परी थक गई है ना, तुम जाओ। ओके आई एम गोइंग, बाय। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल एंड कंफर्टेबल रूम। दादी ये कौन सी मुफ्त के फिल्म के मजे ले रही हो? चलो जाके सच सच उन्हें बताओ हम नहीं है वो हैदराबाद दक्कन वाले। अच्छी परी हम ही हैं, exactly हम ही हैं। ये तो कुदरत ने हमारा उल्टा एलिफेंट सीधा कर दिया, शुक्र करो। अगर उनके वो सचमुच हैदराबाद दक्कन वाले मेहमान आ गए ना तो हमारी टांगे तोड़ के टेढ़ी कर देंगे। कत्ल के केस का तो नहीं पता परी को, लेकिन फ्रॉड के केस में ना दादी और परी जरूर अंदर हो जाएंगे। नहीं 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 चले सच सच बताए उनको, चले। जब आएंगे उनके असली मेहमान तो ऑटोमेटिकली हमारी एस्टेट भी खुल जाएगी। वो बंटी चौधरी की बातें सुन के ना परी को डर लग रहा है। वो क्या कह रहा था कि परी की शादी वो अमेरिका वाला मंगेतर और पता नहीं क्या क्या। बट व्हाट इज योर प्रॉब्लम? मुफ्त में अगर इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल रहा है तो ले लो। दादी वो आप दादा अब्बा का बताए ना उन्हें, आप ही ने तो कहा था ना ये उनके दोस्त का घर है। मगर बिजनेस में उनका कोई मसला हो गया था, बैलेंस शीट में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो अभी हम फौरन को नहीं बता सकते उनको। तो कब तक छुपाएंगे ये बात? जब तक खुद ब खुद खुल नहीं जाते। उसके बाद हाथ जोड़ के माफी मांगेंगे सबसे, फिर चुपके चुपके निकल जाएंगे। परी का ना दिल धक धक कर रहा है, दूर से ना झील की सलाखें भी नजर आ रही है परी को। भूख लग रही है चंदा तारा को। ऐसा कर लो नीचे जाओ इनके लिए कुछ खाने को ले आओ और जरा चेक करके आओ कि हमारे बारे में क्या गुफ्तगू चल रही है नीचे। हैं परी के मामू का घर है जो ऐसे जाके किचन में घुस जाए? मामू का ही है, हैं? हमारा मतलब है कि अपनी इमेजिनेशन को थोड़ा एक्सपेंड करते हैं। हाँ भूख तो लग रही है चंदा तारा को, चलो चंदा तारा। ओ परी होली और हार्फिक कपड़े तो बदलिए, हम हैदराबाद दक्कन से आए हैं, अच्छे कपड़े पहनिए। वैसे भी फर्स्ट इम्प्रेशन इज ऑलवेज द लास्ट इम्प्रेशन, तो शाबाश। सुनो हमारे घर साड़ी भी इस्तेमाल कर दो। रिपोर्ट तो ठीक नहीं आई अब्बा जी की। आप गए क्यों थे जी डॉक्टर सलमा के अस्पताल?
हम किसी अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट से टाइम ले लेते हैं आपके लिए। वो अस्पताल तो मैं मार के ही छोड़ूंगा दादा जान। दादा जान के कहने का मतलब ये है, इतने अरसे से उसे अस्पताल से इलाज करा रहे हैं, अब एकदम चेंज करेंगे तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। और डॉक्टर सलमा क्या दिल का इलाज करती हैं, क्यों दादा जान? ऐसा बगैर इसी जी के सारा दिल पाड़ लेती है। ओ बिल्लू, तू ज्यादा तशरीह ना कर अब्बा जी की, इतनी तूने कोई तवज्जो अपनी पढ़ाई पे दी होती ना तो 2 साल पहले ही कर चुका होता तू। नाम ने हाथ बीबीए। हर काम अपने वक्त पे होता है अब्बा जी, जब बीबीए का वक्त होगा वो भी हो जाएगा। और आप अच्छे भले बंदे हैं, ये औरतों की तरह ताने देते हुए अच्छे नहीं लगते। सही कह रहा है चौधरी बिल्लू, पास कर या बर्दाश्त कर। प्रोफेसर बख्तरे पास तो नहीं करना, मेरा आपको मशवरा है बर्दाश्त करना। और रिपोर्ट जो ठीक नहीं आई वो सुने वो चाची मख्तियार को फोन कर दे कि उनके मेहमान आ गए। वो कब आए? आधा घंटा हो गया आ गए दोनों दादी पोती। हाला वो तो वो इसकी बेटी नहीं है? नहीं नहीं बेटी नहीं है, वो दादी लगती है। उसके बेचारी के तो माँ बाप जवानी में ही फौत हो गए थे एक्सीडेंट में, दादी नहीं पाला। दादा ब्रो, अंकल जमील आए हैं पुलिस वाले। दादी पकड़े गए हम, पुलिस तो हमारे पीछे यहाँ तक पहुंच गई है। जमीला आ गया है। अब्बा जी मेरा दोस्त है वो। पुत मैंने को उसकी टोपी से फुंदने नहीं उतार लेने, एक काम का था उसे वो लेके आया होगा। पर रिपोर्ट जो ठीक नहीं है इसका क्या करना है? ओ मिस्टर डीडी, आई मीन डंगर डॉक्टर, मेरा नाम चौधरी बकरा नहीं है, मैं अपने डॉक्टर को दिखाऊंगा। बैठ जा चाय पिलाती हूँ। चीनी कितनी डालू? 1/2 चम्मच। शुगर हो जाएगी। लड़की कौन थी? परी बाजी होंगी। चाहे मैं भी होऊंगा। परी? ये तो रुलेखा के हाथ कानून से भी ज्यादा लंबे निकले, यहाँ तक पुलिस पहुंच गई। परी की माने हम ना भाग जाते हैं यहाँ से, वरना बहुत बुरा होगा हमारे साथ। नीचे तो पुलिस है, कैसे भाग? कैसा घटिया घर बनाया है इन्होंने, बंदा भागने के लिए कोई छोटा दरवाजा तो बनाना चाहिए था ना। बहुत घटिया, बहुत घटिया। कौन? दरवाजा खोले। दादी बाकी दरवाजा मत खोलना, पुलिस पकड़ के ले जाएगी परी को, फांसी लगा देगी। परी को तो सोच सोच के रोना आ रहा दादी, कैसे रहोगी परी के बगैर? दरवाजा ना खोला तो तुम्हारे पे शक पक्का हो जाएगा। है? तुम्हें पता है 1920 में इलियास ने भी दरवाजा नहीं खोला था और फिर जेल गया था। नहीं 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 नहीं, हेलो बंटी बॉय, चले तारा सो रहे हैं या जाग रहे हैं? वो पुलिस चली गई। आप पुलिस से डर के छुपी भी थी? नहीं नहीं नहीं, परी ने पुलिस से क्यों डरना है? परी ने कौन सा कत्ल किया है? क्या? She's only kidding. अच्छा आप बताइए आप कैसे तशरीफ लाए? नीचे खाना लगा था तो बुलाना आया था आप लोगों को। ऐसा कीजिए कि आप चलिए हम आते हैं, साथ चलते हैं ना सब। ये चंदा सारा भी भूखे हैं,
आप यूँ कीजिए, आप नीचे जाइए, इनके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आइए और फिर हम इकट्ठे चलेंगे। लाना क्या, मेरे को नीचे लंच करा देता हूँ। नहीं, परी चंदा और तारा को कहीं अकेले जाने नहीं देती, वैसे भी पुलिस है ना नीचे। अच्छी परी हैं, इलियास से कुछ सीखते हैं, नीचे जाओ, जरा नई एनवायरनमेंट से यूज्ड टू हो जाओगी। हैं, क्या जाओ, कोई इंफॉर्मेशन भी मिले तो ले आना। अच्छा, आई दिस वे। चंदा और तारा बहुत क्यूट हैं, ये क्या खाते हैं? ये ना एप्पल खाते हैं। एप्पल? वो तो है हमारे किचन में, मैं भी लाता हूँ। हाँ सुनो, ये पुलिस क्यों रहती है तुम लोगों के साथ? ये पुलिस हमारे साथ नहीं रहती, ये तायबू के दोस्त है। दादा ब्रो ने नई पिस्टल मंगाई है, बस वही लेके आए हैं। अच्छा अच्छा, एप्पल ला दो प्लीज। अभी लाया। परी दादी को बताती है। उड़न खटोले तेरा क्या कहना, तू उड़ता उड़ता आएगा एंड यू नो व्हाट, लाल परी भी साथ में हो। हाथ छोड़ो। हाथ छोड़ दिया ना, तुम्हारी हड्डियों का सुरमा बन जाएगा। मत छोड़ना। हर दिन शाम एक तू ही है हम नवा। तोते चंदा और तारा। चंदा और तारा, हाथ छोड़ो, ऐसी वैसी लड़की नहीं हो। छोड़ो चंदा तारा भी। अच्छा, तो फिर कैसी वैसी लड़की हो तुम? क्यों बताऊं? दादी कहती है कि गैर मर्दों को ना अपने बारे में नहीं बताना चाहिए। गैर मर्द? अब कहां का गैर मर्द, अभी अभी तुम्हारी जिंदगी बचाई है, एहसान मानो मेरा। वैसे तुम्हारी तारीफ क्या है? मिस दिलशाद कहती है कि इंसान अपनी तारीफ करता हुआ निहायत ही ओछा लगता है, तारीफ वो होती है जो उसकी गैर मौजूदगी में की जाए। ओ, वो वाली तारीफ नहीं, नाम क्या है तुम्हारा? परीसा। पतीसा? यार वंडरफुल नेम यार, मुझे पतीसा बहुत पसंद था, स्कूल के बाहर मैंने एक वक्त में चार चार खाए हैं। परीसा, परीसा, और सारी दुनिया ना परीसा को परी कहती है। परी? दुनिया का क्या है, वो तो कुछ भी कहती है। गोलीबारी कहाँ हो रही है बंटी? दादाबू ने ना पिस्टल मंगाया, उसी की टेस्टिंग कर रहे हैं। उठ चौधरी, और तू कहाँ जा रहा है? परिबाजी के रूम में, उनके चंदा तारे के लिए एप्पल लाया हूँ ना। ओके, नहीं पिस्तौल, दादा बब्बर शेर। क्या हुआ? क्या हुआ? दादी, वो जो पुलिस इंस्पेक्टर आए थे ना, वो इन लोगों के दोस्त थे। शुक्र करें अल्लाह ताला ने हमें बचा लिया। ओए काफ की चुड़ैल, इतना पैनिक मचाया। दादी, अगर जिंदा रहने का इतना ही शौक है ना, तो परी की माने सामान समेटे हम चलते हैं यहाँ से। हैदराबाद जाएगी? हाँ। वहाँ शाम का मर्डर करके आई हूँ। हाँ नहीं दादी, खुदा का खौफ करें आप, जानबूझकर तो नहीं किया था ना परी ने। परी तो उस नकली शौक से अपना हाथ छुड़ा रही थी, और पुलिस वालों को भी ना कसम खा के कह दूंगी कि परी ने नहीं जानबूझकर मारा उसे। अच्छा, तुम कसम खाओगी और वो यकीन कर लेंगे? मेंटल परी, जितने दिन खामोशी से गुजरते हैं गुजार लो यहाँ पर। अगर उनके असली वाले मेहमान आ गए तो? असली वाले आ गए तो हम भी अपनी असलियत बताएं ना। क्या मुसीबत है, आगे कुआं है तो पीछे खाई, अब परी बेचारी जाए तो कहाँ जाए? उड़न दस्तरी की फ्लाइट ले और कोहे काफ के ले जाए। फिलहाल जो ये दो बेज़बान परिंदे हैं, इनकी भूख का कुछ ख्याल करो, बस दुआएं लेना चाहती हूँ इनकी।
बिस्मिल्लाह करें मामा जी। आज ना बस यही पकाया है। हाँ बस शबो तो ये स्टिकर तो उतार देती ना, देर से लगी हुई हूँ मैं। देखो ना जरा, सबसे वजनी काम उसको करना पड़ रहा है। एक छत से गार्डर उतारना और एक ग्लास से स्टिकर उतारना बड़ा वजनी काम है। ओ बिल्लू, ओ पुत्र, वेख वो कहीं वापस तो नहीं चली गई हैदराबाद दक्कन। वापस जाने के लिए नहीं आई वो चची। बंटी बेटा जाओ उनको बुला के लाओ। बार बार अच्छे थोड़ी लगते उनके कमरे में जाऊं। जाओ। ओ आ गए आ गए। आए आए जनाब आए। सलाम अलैकुम बहन जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी जी थैंक यू ठीक हैं। तशरीफ रखें। जी जी थैंक यू। इतने सारे लोग एक ही घर में रहते हैं क्या? माशाल्लाह बड़ा अकलमंदाना सवाल किया लड़की ने। नहीं पुत्र, मर्द रात को होटल में चले जाते। इतने सारे लोगों को पहले सलाम भी करते ना। सॉरी पोनी वाले अंकल। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सलाम पुत्र एक ही कर देते हैं, ये प्लेटें थोड़ी हैं कि सबको वखरी वखरी। मामू पानी दीजिएगा। तश्वीन नाम है मेरा। वैसे जितना मामू मशहूर हो गया शनाख्ती कार्ड पे यही लिखवा लो। मिस दिलशाद कहती है इंसान के नाम से बड़ा ना उसका काम होना चाहिए। वैसे ये बात मिस दिलशाद से पहले ना और भी बड़े लोगों ने की हुई है, लेकिन परी को मिस दिलशाद ने ही बताई है। जी पानी कहा। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ मुख्तारे से राबता करने की, ताकि उसे बता दूं कि आप खैर खरीयत से पहुंच गए। अबा जी मुझे लगता है चचे मुख्तार उम्रे के लिए निकल गए। अच्छा जी ट्रैवल एजेंट साहब। खाला जी वैसे कब की फ्लाइट थी उनकी? कल। कल पानी सीधे हाथ से पीते हैं। तुझे बिल आ रहा लेफ्ट हैंड से? पड़ी ना लेफ्टी है इसलिए हर काम उल्टे हाथ से करती है। अच्छा अच्छा मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, कोई बात नहीं कोई बात। पिए मुख्तार खालाजाद कजन है आपका? भाई है हमारे। हाँ जी कजन भाई को ही कहते हैं, छतरे को नहीं कहते। बस ये हैदराबाद दक्कन के, आप किस इलाके से हैं? दक्कन पुत्र। हाँ जी वही दक्कन हूँ। हैदराबाद दक्कन के चांदनगर। वो तो नाम चेंज दादा हो गया था, पर यहाँ चांदनगर से ही आती हूँ। वो एक खोटे सिक्के, रोटी पे ध्यान दो। तुमने तो अभी तक खाने ही नहीं शुरू किया, क्या लोगी बताओ? वो अचार मिल जाता तो। परियां अचार भी खाती हैं? हाँ वो अचार के बगैर ना परी के अलग से खाना नहीं उतरता। मिले क्या निमो पुत्र? आधा ग्लास ठंडा दूध मेरे कमरे में पहुंचा देना, मुझे जरा तेजाबियत हो गई। कितने दिन हो गए आप लोगों को पाकिस्तान आए हुए? 12। एक मिनट, 12 या 10? 12 सफर में थे ना। तूने दिनों का हिसाब करके क्या करना भाई, चुप करके रोटी खा। अबू जी आप खुद ही तो कहते हैं मर्द का हिसाब किताब जरा ठीक होना चाहिए। बड़े मेरे कवाले जरी याद किए हैं आपने। बुजुर्ग हैं आप, आपकी बात कैसे भूल सकते हैं। बड़ी कोई मुंह फट लड़की लगती है मुझे। सही कह रही है भाभी, ऐसे भला मुंह पाड़ के कोई चार मांगता है क्या? जाने शबो, अपना 14वां ग्रेड उन्होंने मिट्टी में मिला लिया ये बात करके। बात चार की नहीं है, बात कुछ हो रहा है जो मुझे खटक रही है। ना
निम्मू तुमने नोट लिया? आपका क्या ख्याल है कि मैं सिर्फ ताऊ जी के नोट संभालती हूँ, और भी सब कुछ नोट करती हूँ मैं। एक तो मारो सजी और तेरी खबी गाल फड़कने लगती, तेरे से तो बात करना ही फजूल है भाई। है तो क्यों नहीं नोट करना मैंने, इसका सारा अजाब तो मुझे और मेरे मस्कीन यतीम भाई को भुगतना है ना। ओहो शाकिर पायन, आपको बिना वहम करने की आदत हो गई है। वैसे भी सारी कुड़ियां चिड़िया ना इस उम्र में कुछ ऐसी लगती है। मठी पाओ मठी पाओ मठी पाओ। हाँ शायद तू ठीक ही कह रही है। शबो एक कप ना ग्रीन टी बना दे मेरे लिए। एक कप मेरे लिए बना दे। अच्छी पड़ी, एक बात तो बताओ, ये चांदनगर का तुम्हें किसने बताया? अरे आपको याद नहीं है, हमारे मोहल्ले में जो साड़ियों वाली खाला आती थी, वो हर वक्त ना एक ही पहाड़ा पड़ती रहती थी, हैदराबाद दक्कन के चांदनगर की साड़ियां ले लो। एक नंबर की झूठी थी वो। अरे दादी टेंशन मत ले, हर मुल्क के हर शहर में ना छोटा मोटा इलाका जरूर ऐसा होता है जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता होता। हमें तो डर लग रहा है कहीं कोई कुछ और ना पूछ ले। दादी उन्हें भी ना कुछ नहीं पता होगा, और बाकी अगर पूछने की जहाँ तक बात है तो परी ना गूगल कर लेगी। बल्कि वो दादी वो अपना फोन तो निकाल के देना, वो डाटा पैकेज तो ऑन करवा लो। वेरी क्लेवर, हम जानते हैं इसी बहाने इंटरनेट पे जाके तू ड्रामे देखेगी। दादी एक एपिसोड तो देखने दो। ठीक है मगर इश्क जलेबी का होना चाहिए। हमें वो जो सज्जो है ना बहुत क्यूट लगती है। इन परी को खुद और मोहब्बत देखना है। और चुन्नी चुन्नी आंखों वाले फिरोज खान की वजह से देखेगी, हम जानते हैं। परी ना लेफ्टी है, इसलिए हर काम उल्टे हाथ से करती है। तुमने तो अभी तक खाने ही नहीं शुरू किया, क्या लोगी बताओ? वो अचार मिल जाता तो। परी अचार भी खाती है? हाँ वो अचार के बगैर ना परी के अलग से खाना नहीं उतरता।